दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं डॉक्टर बकलंडी को जो कि अपनी आंखों का चेकअप कराने अपने एक दोस्त के पास आया होता है। तभी उसका दोस्त बकलंडी को कहता है कि तुम अपनी आंखों का चेकअप कराने के लिए बार बार क्यों आ जाते हो। जिस पर डॉक्टर बकलंडी कहता है कि ये जानने के लिए कि मेरी आंखें ठीक है या नहीं। इस पर उसका दोस्त पूछता है कि क्यों, क्या हुआ, कहीं तुम अपनी आंखों पर कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे। इसी दौरान वहाँ पर डॉक्टर मुन्नी बाई आती है और डॉक्टर बकलंडी से पूछती है कि तुम किस बारे में रिसर्च कर रहे हो। इस पर डॉक्टर बकलंडी उसे कहता है कि जैसा तुमने नर्सरी क्लास में पढ़ा ही होगा कि लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है और उस ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस हमारी आंखों में आती है तो इससे हम किसी चीज को देख पाते हैं, जैसे कि मैं अभी तुम्हारी बड़ी बड़ी चूचियों को देख रहा हूँ। लेकिन क्या हो अगर हम अपनी आंखों का प्रयोग पूरी तरह से करने लगे और उन चीजों को भी देखा जा सके जो लाइट के परे हो, जो कि नॉर्मल आंखों से देख पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो मैं प्रयोग कर रहा हूँ उससे मेरी आंखें रेडिएशन को भी देख पाएंगी। अब यहाँ पर ये जो डॉक्टर मुन्नी बाई थी वो गंड घोसला फाउंडेशन से आई थी, जिस फाउंडेशन से डॉक्टर बकलंडी को उसके एक्सपेरिमेंट्स के लिए फंड मिल रहा था, और वो यहाँ पर ये चेक करने आई थी कि उसकी ये रिसर्च उसके फाउंडेशन के लिए ठीक है भी या नहीं। इसके बाद डॉक्टर बकलंडी उसे अपने रिसर्च का एक नमूना दिखाता है। वो वहाँ पर एक बंदर को पकड़ता है और खुद से बनाया हुआ एक केमिकल उसकी आंख में डालता है, जिसके बाद उस दवाई की वजह से उस बंदर की आंखें काफी तेज हो जाती हैं। इसके बाद उस बंदर को पिंजरे में डाला जाता है और वहाँ पर तीन बल्ब लगे होते हैं और इस बंदर को जिस कलर का बोर्ड दिखाया जाता है वो उसी कलर के बल्ब के बटन को दबाता है। फिर डॉक्टर बकलंडी उस कलर बोर्ड के आगे एक शीट रख देता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उस बंदर की आंखें उस शीट के भी आर पार देख लेती है, जिसका मतलब ये था कि अब उस बंदर के पास एक्सरे विजन आ गया था और ये सारा कमाल डॉक्टर बकलंडी की रिसर्च की वजह से हुआ था। अब ये देखकर डॉक्टर मुन्नी बाई काफी खुश हो जाती है और वो डॉक्टर बकलंडी से पूछती है कि इस बंदर को कुछ होगा तो नहीं ना। जिस पर डॉक्टर बकलंडी कहता है कि नहीं, इस बंदर के सारे आई टिश्यू बिल्कुल सही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस बंदर को दिल का दौरा पड़ता है और वो मर जाता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर मुन्नी बाई डॉक्टर बकलंडी के इस एक्सपेरिमेंट से बहुत खुश होती है और वो उसे आगे भी ये काम जारी रखने को कहती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर बकलंडी अपने एक दोस्त डॉक्टर बेरोजगार भंडारी के पास जाता है और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे हेल्प मांगता है। लेकिन डॉक्टर बेरोजगार भंडारी उसे साफ मना कर देता है और उसे कहता है कि तुमने जिस बंदर पर एक्सपेरिमेंट किया था वो मर चुका है और अब तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट को रोक देना चाहिए। लेकिन फिर भी डॉक्टर बकलंडी किसी तरह से डॉक्टर बेरोजगार भंडारी को मना लेता है, जिसके बाद डॉक्टर बेरोजगार भी इस एक्सपेरिमेंट से जुड़ जाता है। अब सबसे पहले डॉक्टर बकलंडी उस केमिकल को अपनी आंखों में डालता है, जहां पर हम देखते हैं कि पहली बार इस एक्सपेरिमेंट का प्रयोग किसी इंसान पर किया जा रहा था। अब जैसे ही डॉक्टर बेरोजगार उस केमिकल को डॉक्टर बकलंडी की आंखों में डालता है, तभी डॉक्टर बकलंडी को टेबल के पार रखी हुई चीजें भी दिखाई देने लगती हैं। और अब डॉक्टर बकलंडी को भी एक्सरे विजन मिल चुका था, जिसके बाद डॉक्टर बकलंडी फाइल के नीचे रखे हुए पेपर को भी देख पा रहा था और वो उसे डॉक्टर बेरोजगार को पढ़कर भी सुनाता है। अब ये देखकर डॉक्टर बेरोजगार भंडारी की गर्ल फट जाती है और वो कहता है कि बहन ये कैसे पॉसिबल है। तभी डॉक्टर बकलंडी उसे ये भी बताता है कि तुम्हारी कोट की अंदर वाली शर्ट में भी एक पेन है, क्योंकि डॉक्टर बकलंडी उसे साफ साफ देख पा रहा था। अब इसके बाद डॉक्टर बकलंडी और भी केमिकल की बूंदी अपनी आंखों में डालता है, जिसके बाद डॉक्टर बकलंडी को अलग अलग तरह की रेडिएशन दिखाई देने लगती है। लेकिन ऐसा करना उसके लिए ठीक नहीं होता और वो बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद एक्सपेरिमेंट के दौरान रिकॉर्ड हुई बातें बोर्ड मेंबर सुनते हैं, जहां पर डॉक्टर मुन्नी बाई भी बैठी होती है। फिर रिकॉर्डिंग सुनने के बाद बोर्ड मेंबर डिसाइड करते हैं कि डॉक्टर बकलंडी का एक्सपेरिमेंट ठीक से नहीं हुआ, इसलिए डॉक्टर बकलंडी को दिए जाने वाले फंड्स को रोक दिया जाएगा। वहीं डॉक्टर मुन्नी बाई उनको समझाने की कोशिश करती है कि ये एक्सपेरिमेंट ठीक से हो सकता है, लेकिन वो लोग उसकी कोई बात नहीं सुनते। इसके बाद हम डॉक्टर बंछोड़ दास को देखते हैं, जो कि डॉक्टर बकलंडी से आकर मिलता है। फिर वो उसे बताता है कि आज मेरे एक पेशेंट की सर्जरी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और उस पेशेंट का डायग्नोस करने में मेरी मदद करो। इसके बाद डॉक्टर बकलंडी उस पेशेंट से मिलने के लिए जाता है और अभी भी उसकी आंखों में एक्सरे विजन होता है, जिसकी मदद से वो पेशेंट के अंदर देख लेता है। वो देखता है कि इस पेशेंट का डायग्नोस सही से नहीं किया गया। फिर ये बात वो डॉक्टर बंछोड़ दास को भी बताता है, लेकिन डॉक्टर बंछोड़ दास उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, जिसके बाद वो उसे सर्जरी के टाइम अपने साथ रहने के लिए कहता है। इसके बाद डॉक्टर बकलंडी डॉक्टर मुन्नी बाई से मिलता है, जहाँ पर मुन्नी बाई उससे एक पार्टी में चलने के लिए पूछती है। अब वो दोनों पार्टी में आ जाते हैं, जहाँ पर दारू पीने के बाद डॉक्टर बकलंडी का एक्सरे विजन और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से डॉक्टर बकलंडी पार्टी में आए सभी लोगों को बिना कपड़ों के देख पा रहा था। अभी देखकर डॉक्टर बकलंडी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इस चीज के मजे लेने लगता है। इसके बाद वो डॉक्टर मुन्नी बाई को भी बिना कपड़ों के देखता है और उसे कहता है कि आपकी चूचियां तो सच में बहुत बड़ी बड़ी हैं। जिसको सुनकर डॉक्टर मुन्नी बाई को शर्म आ जाती है और वो समझ जाती है कि ये हरामी उसके कपड़ों के अंदर भी देख पा रहा है। फिर कुछ देर बाद शाम हो जाती है और डॉक्टर बकलंडी को याद आता है कि उसे सर्जरी के लिए हॉस्पिटल जाना था, जिसके बाद वो अपनी आंखों में वही केमिकल लगाकर चला जाता है। फिर सर्जरी के दौरान हम देखते हैं कि डॉक्टर बकलंडी डॉक्टर बंछोड़ दास को सर्जरी करने से रोकने लगता है और उसे कहता है कि भूखड़ी के अभी भी मेरी बात सुन ले, तू जो भी कर रहा है वो गलत है, मुझे यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस पेशेंट को ट्यूमर है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर बंछोड़ दास उसकी बात नहीं मानता तो डॉक्टर बकलंडी चाकू से उसका हाथ काट देता है, जिस वजह से बंछोड़ दास अब ऑपरेशन नहीं कर सकता था। फिर डॉक्टर बकलंडी कहता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं पागल हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। अब उसकी ये बातें सुनकर डॉक्टर बंछोड़ दास मान जाता है, जिसके बाद डॉक्टर बकलंडी उस पेशेंट का ऑपरेशन शुरू कर देता है। अब यहाँ पर डॉक्टर बकलंडी को उस पेशेंट के सारे बॉडी पार्ट्स आराम से नजर आ रहे थे, जिसके बाद वो बहुत ही आसानी से उसका ऑपरेशन कर देता है। फिर ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर बंछोड़ दास डॉक्टर बकलंडी से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें डॉक्टर की प्रैक्टिस छोड़नी भी पड़ सकती है। वहीं डॉक्टर मुन्नी बाई भी उसे प्यार से समझाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, भूखड़ी के नौकरी चली जाएगी तेरी। इसके बाद हम डॉक्टर बेरोजगार भंडारी को देखते हैं,
जो कि डॉक्टर बकलंडी को समझा रहा होता है कि अब तुम्हें इसका इलाज ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बकलंडी अब अपने आप से बाहर जा रहा था और उसे अब हर चीज एक्सरे विजन में ही नजर आ रही थी। फिर डॉक्टर बेरोजगार उसे कहता है कि तुम जो भी कर रहे हो वो सब तुम्हारे दिमाग से कनेक्ट हो रहा है, इसलिए तुम्हें अब अपनी भी फिक्र करनी चाहिए। लेकिन इस पर डॉक्टर बकलंडी कहता है कि नहीं यार, मैं नहीं चाहता कि इस दवाई का कोई एंटीडोट ढूंढा जाए, क्योंकि इस वक्त मैं वो देख पा रहा हूँ जो इंसानी आंखें कभी नहीं देख सकती। यहाँ पर डॉक्टर बेरोजगार उसे कहता है कि तुम मेरी बात समझो, मैं नहीं चाहता कि इस केमिकल का तुम पर कोई बुरा असर पड़े, इसलिए मैं तुम पर ये एंटीडोट लगाने जा रहा हूँ। लेकिन अब डॉक्टर बकलंडी दिमाग से पूरी तरह बावली बन चुका था, इसलिए वो ऐसा करने से मना कर देता है, जिस दौरान उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और डॉक्टर बेरोजगार भंडारी खिड़की से नीचे गिरकर मर जाता है। अब ये देखकर डॉक्टर बकलंडी को बहुत बुरा लगता है, जिस पर डॉक्टर मुन्नीबाई उसे समझाती है कि तुमने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन पुलिस इस बात को नहीं मानेगी, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुमने जो हरकत डॉक्टर बंछोड़दास के साथ की थी उसके बाद सब तुम्हें ही दोषी मानेंगे। अब ये सुनकर डॉक्टर बकलंडी हॉस्पिटल से भाग जाता है, जिसके बाद अगले दिन डॉक्टर बेरोजगार भंडारी के मरने की खबर अखबार में आ जाती है। वहीं डॉक्टर बकलंडी छुपते छुपाते एक मेले में पहुंच जाता है, जहां पर अब वो लोगों को जादू दिखाने लगता है। वो वहां पर लोगों के लिखे हुए लेटर्स को पढ़ता है, जबकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है। अब ये जादू दिखाकर डॉक्टर बकलंडी और उसके साथ काम कर रहे लोगों को काफी फायदा होता है और वो लोग काफी पैसा कमा लेते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि डॉक्टर बकलंडी ने यहाँ पर अपनी पहचान भी छुपाई हुई होती है और वो यहाँ पर सबको अपना नाम डॉक्टर मांगीलाल बताता है। अब डॉक्टर बकलंडी जिन लोगों के साथ काम करता था, एक दिन उसमें से एक आदमी उसे पूछता है कि तुम ये कैसे कर लेते हो, ये जादू हमें भी सिखा दो। लेकिन इस पर डॉक्टर बकलंडी उसे गालियां देकर वहां से भगा देता है। इसके बाद डॉक्टर बकलंडी अपना टेप रिकॉर्डर निकालता है और अपने एक्सपेरिमेंट और उसमें होने वाले बदलाव के बारे में बात करता है। लेकिन वही वो आदमी खिड़की से ये सब कुछ देख रहा होता है और वो सब कुछ जान जाता है। वही दूसरी तरफ डॉक्टर बकलंडी के साथ काम करने वाले लोग उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर बकलंडी के पास सच में ऐसी शक्ति है जिसे वो चीजों के आर पार देख लेता है। लेकिन तभी वहां पर डॉक्टर बकलंडी पहुंच जाता है और उनको बताता है कि मैं तो सिर्फ एक आम इंसान हूं और मेरे पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उसी मेले में एक बड़े से झूले से एक लड़की नीचे गिर जाती है। वो काफी ज्यादा घायल थी और बेहोश हो चुकी थी। तभी वहाँ पर डॉक्टर बकलंडी आ जाता है और अपने एक्सरे विजन से देख लेता है कि उस लड़की के पैर में फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए वो एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर उसके पैरों में बांध देता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके साथी ये समझ नहीं पा रहे थे कि इस चूते को पता कैसे चला कि इस लड़की के पैर की हड्डी टूट गई है। तभी वहाँ पर डॉक्टर बकलंडी के साथ काम करने वाला छोटा क्षत्रिय आता है और उसे कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम कौन हो और तुम्हारे पास जो शक्ति है वो सच में एक रहस्यमय शक्ति है, और मैंने तुम्हारी शक्ति अभी देख ली है कि कैसे तुमने उस लड़की की टूटी हुई हड्डी को जोड़ दिया, जबकि ये करना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद से बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ, जिसके बाद वो उसे आइडिया देता है कि हम दोनों शहर से बाहर जाएंगे और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को ठीक करेंगे, जिसके बाद हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। अब डॉक्टर बकलंडी भी इसकी बात मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों शहर के बाहर एक जगह रेंट पर ले लेते हैं। अब डॉक्टर बकलंडी मरीजों को दिखना शुरू कर देता है और वो अपने एक्सरे विजन से देखकर उन्हें बता देता है कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है और वो कैसे ठीक होगी। अब धीरे धीरे ये यहाँ पर लोगों के लिए भगवान के समान बन चुका था और अलग अलग जगहों से बहुत सारे लोग डॉक्टर बकलंडी के पास अपनी परेशानियों को जानने के लिए आने लगे थे, जिसके बाद डॉक्टर बकलंडी का नाम बाबा बंगाली के नाम से फेमस हो जाता है। इसके बाद हम डॉक्टर मुन्नीबाई को देखते हैं, जिसे पता चल चुका था कि बाबा बंगाली ही डॉक्टर बकलंडी है, जिसके बाद जब वो उसे ढूंढते हुए उसके क्लिनिक पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी परेशानियों का सोल्यूशन पाने के लिए आए हुए थे। इसके बाद डॉक्टर मुन्नीबाई डॉक्टर बकलंडी से मिलती है, जो उसे बताता है कि मेरे साथ बहुत बुरी चीजें हो रही हैं, क्योंकि अब मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। मैं रात को सो भी नहीं पा रहा, क्योंकि आंख बंद करने के बाद भी मुझे सब कुछ नजर आता है और अब मैं बस ठीक होना चाहता हूँ। इस पर डॉक्टर मुन्नीबाई उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए ही आई हूँ और तुम्हें किसी ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर तुम सेफ रह सको। लेकिन ये सारी बातें डॉक्टर बकलंडी का साथी छोटा छत्री सुन लेता है, जिसके बाद वो डॉक्टर बकलंडी से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से कभी नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मुझे अभी और पैसे कमाने हैं, और अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बता दूंगा कि तुम डॉक्टर बकलंडी हो जिसने डॉक्टर बेरोजगार का खून किया है। अभी सुनकर डॉक्टर बकलंडी वहां से भागने लगता है, जिसके बाद छोटा छत्री सबको बता देता है कि ये कोई बाबा बंगाली नहीं बल्कि एक खून करके भागा हुआ किलर है। वहीं डॉक्टर बकलंडी और डॉक्टर मुन्नीबाई वहां से भाग जाते हैं। फिर कार में डॉक्टर बकलंडी देखता है कि उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पर डॉक्टर बकलंडी चाहता था कि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सके। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि इसके लिए बहुत सारा पैसा लगेगा और ये भी जानता हूँ कि ये सारा पैसा कहाँ मिल सकता है। जिसके बाद डॉक्टर बकलंडी और मुन्नीबाई वहाँ पर लॉस वेगस के कैसीनो में जाते हैं। फिर डॉक्टर बकलंडी फिर से अपनी आंखों में वही केमिकल डालता है, जिसके बाद वो अपनी पावर्स को यूज करके वहाँ जुआ खेलकर बहुत सारे पैसे कमा लेता है। अभी देखकर वहाँ के मैनेजर को डॉक्टर बकलंडी पर शक होने लगता है, तो वो वहाँ पर एक पुलिस वाले को लेकर आता है और डॉक्टर बकलंडी से पूछता है कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो जो तुम इतना सारा पैसा इतनी जल्दी जीत गए हो। अब डॉक्टर बकलंडी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी पुलिस से टकरा कर उसका चश्मा नीचे गिर जाता है और उसकी भयानक आंखें सबको दिख जाती हैं। हम देखते हैं कि डॉक्टर बकलंडी की आंखों का कलर बदल चुका था और उन्हें वहाँ पर इंसानों की जगह सिर्फ कंकाल ही नजर आ रहे थे। अभी देखकर मैनेजर कहता है कि इसकी आंखों में कुछ गड़बड़ है, इसलिए हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। लेकिन तभी डॉक्टर बकलंडी अपने जीते हुए पैसों को वहाँ पर उड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर बकलंडी को कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था और वहीं पुलिस भी अब उसका पीछा कर रही थी।
तभी अचानक डॉक्टर बकलंडी की कार खाई में गिर जाती है, लेकिन डॉक्टर बकलंडी की जान बच जाती है और उन्हें सिर्फ मामूली चोटें ही आती हैं। अब इसके बाद डॉक्टर बकलंडी चलते चलते एक चर्च में पहुंच जाता है जहां पर फादर लोगों को स्पीच दे रहे होते हैं। फिर वहां पर फादर डॉक्टर बकलंडी से कहते हैं कि अगर तुमने कोई पाप किया है तो गॉड तुम्हारी रक्षा करेगा। इस पर डॉक्टर बकलंडी कहता है कि गॉड मुझे कैसे बचा सकता है, मैं तुमको बताता हूं कि मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। मुझे अंधेरे के पार भी एक रोशनी दिखाई दे रही है, जिसका मतलब था कि डॉक्टर बकलंडी अब पृथ्वी के केंद्र को भी देख पा रहा था। तभी वहां पर डॉक्टर मुन्नीबाई और पुलिस भी पहुंच जाती है। फिर पादरी उसे कहता है कि तुमने यहां पर पाप और शैतान को देखा है। मैथ्यू ने अपनी बुक में कहा है कि अगर तुमने उसको अपनी आंखों से देखा है तो तुम उसे बाहर निकाल फेंको। अब डॉक्टर बकलंडी भी ऐसा ही करता है और परेशान होकर अपनी आंखें निकाल देता है। अब इसके आगे क्या होता है वो सिर्फ इस फिल्म के डायरेक्टर को ही पता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।